हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक। अभी तक जो अपन ने देखे, इसमें लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में अपन ने देखे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, हमने परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखे थे, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद उसने पार्ट्स पर मिलियन भी देखा। वी ऑल्सो सॉ मोलैरिटी, मोलैलिटी। ओके, उसके बाद मोल फ्रैक्शन भी देखा था अपन ने। वी ऑल्सो सॉ नॉर्मैलिटी। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और कहीं कहीं मोलैलिटी भी यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया तुमको, मोलैलिटी जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सोल्यूशन जो चैप्टर आता है ट्वेल्थ में, उसमें ज़्यादा अपन मोलैलिटी यूज़ करते हैं। सो ये सारे टर्म्स तुमको मालूम होने चाहिए। सो मेक श्योर कि तुम लोग इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू ऑल दैट यू नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो मेक श्योर कि यू आर डूइंग दोज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल, क्योंकि एनी टाइप के न्यूमेरिकल्स से हमको ज़्यादा सीखने को मिलता है। ओके, तो अब अपन देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है किसी भी कंपाउंड का, तो उसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। देखो, आजकल तो मतलब यू हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, NMR होता है, मास स्पेक होता है, GCMS होता है, तो काफ़ी सारे टेक्निक्स है जिससे तुमको केमिकल फार्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन आजकल मिल जाती है। बट इफ़ यू गो बैक टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट, ओके, तो उसमें हमको ज़्यादा केमिस्ट्री करनी पड़ती थी। ओके, तो वही अपन कर रहे हैं बेसिकली। सो वी आर ट्राइंग टू डू द और डिटरमाइन द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन अ ट्रेडिशनल वे। सो सबसे पहले जो काम होता है, जैसे कोई केमिकल फार्मूला अगर डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें, वो होता है टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे तभी जाके अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो देखो, एम्पिरिकल फार्मूले के लिए हमको अलग अलग स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। जैसे स्टेप वन रहेगा टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। परसेंटेजेस निकालना पड़ता है अपने को, तो परसेंटेज कंपोजिशन बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। तो जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, और उन एलिमेंट्स का रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, ये अपने को डिटरमाइन करता पड़ता है। सो इसेंशियली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन हियर इज वन ऑफ द टू थिंग, या तो रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स और परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, विच इज़ बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन, विच इज़ बेसिकली द सेम थिंग। वन ऑफ दिस टू थिंग्स वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन। तो ये अपने को जो डेटा है वो जनरली दिया जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो परसेंटेज कंपोजिशन या फिर रेशो उन एलिमेंट्स का उस कंपाउंड में, ये तुमको दिया रहेगा। एक बार अपने को परसेंटेज कंपोजिशन, तो मतलब दैट इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट विल बी गिवन टू यू एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए। तो हमको अगर मान लो परसेंटेज दिया है, तो इसी परसेंटेज से मेरे को एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। ओके, तो उसके लिए देखो अलग अलग चीज़ें करनी पड़ रही है अपने को। सो सबसे पहला हम करेंगे टू डिटरमाइन द मोल रेशो। मोल रेशो परसेंटेज के इसी से निकाला जाता है। अब मान लो कि कोई कंपाउंड दिया है, मैं एक आर्बिट्ररी नंबर लेता हूँ यहाँ पे, मान लो 60% कार्बन है, 30% नाइट्रोजन है और 10% हाइड्रोजन है। तो हमको दे दिया है परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखो परसेंट में दिया है, दिस इज परसेंट वेट बाय वेट, तो ये हमेशा परसेंट वेट बाय वेट रहेगा। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि मैं 100 ग्राम अगर कंपाउंड लेता हूँ, तो इस 100 ग्राम में 60 ग्राम कार्बन रहेगा, प्लस 30 ग्राम नाइट्रोजन एंड प्लस 10 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा। तो अगर मैंने 100 ग्राम कंपाउंड लिया, तो उसमें इस तरह के वेट्स रहेंगे इन एलिमेंट्स के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास मान लो मासेस है इस तरह के, तो इनका मैं मोल रेशो निकालता हूँ, और मोल रेशो के लिए जो भी मास मेरे को दिया हुआ है, उस मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करूँगा। ओके, तो 60 ग्राम ऑफ कार्बन है इसमें, 100 ग्राम के कंपाउंड में 60 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो 60 ग्राम ऑफ कार्बन इसका मोल क्या बनेगा, 60 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये हो गया मोल रेशो ऑफ कार्बन। उसी तरह से नाइट्रोजन का मोल रेशो रहेगा 30 डिवाइडेड बाय 40, ये नाइट्रोजन का मोल रेशो हो गया, और हाइड्रोजन का मोल रेशो रहेगा 10 डिवाइडेड बाय 1। सो ये हाइड्रोजन का मोल रेशो है। तो इस तरह से अपन मोल रेशो निकालते हैं। तो मोल रेशो निकालने के लिए जो मेरे को परसेंटेज दिए हैं एलिमेंट्स के, उसी को मैं डिवाइड करूँगा बाय द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, तो ध्यान में रखो मोल रेशो कैसे निकालना है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। ओके, इससे मेरे को मोल रेशो मिलेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो नंबर आ रहा है, इन मेनी केसेस दिस इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल।
ओके दैट इज़ फाइन। ओके ये नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो अब फ्रैक्शन नंबर रहने के वजह से इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर रेशियो, क्योंकि देखो एटम्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, इजंट इट। मोल भरी फ्रैक्शन में रहेगा लेकिन एटम्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो मेरे को अगर मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो मेरे को उसमें कितने एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ये निकालना है, इजंट इट। तो अगर जैसे किसी मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का फार्मूला आ जाता है H2O, मान लो वाटर ले लेते हैं, इजंट इट। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके एक मोल का भी यही फार्मूला रहेगा और एक एटम एक मॉलिक्यूल का भी यही फार्मूला रहेगा, लेकिन मोल में हाफ ले सकता, एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में हाफ नहीं ले सकता, इजंट इट। तो इसलिए मेरे को मॉलिक्यूल के लेवल पे अगर निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो होल नंबर के लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ कि देखो जो भी यहाँ पे सबसे छोटे अलग अलग एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इजंट इट, तो जो भी एलिमेंट का सबसे छोटा मोल रेशो आएगा उससे मैं सबको डिवाइड कर दूंगा। ओके तो जो भी रेशो आएगा, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो टू का जो आंसर आएगा नंबर टू, ओके स्टेप टू का जो आंसर आएगा, स्टेप टू डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट इन स्टेप टू, ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर आएगा उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा होल नंबर रेशो। ओके अगर इसमें भी फ्रैक्शन आता है तो मैं इसको नियर अबाउट होल नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। जब अपन एग्जांपल करेंगे तो उसमें मैं तुमको दिखा दूंगा कि ये कैसे कन्वर्ट करते, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जब जैसे ही अपन एग्जांपल देखेंगे इट बिकम्स क्लियर, ठीक है। सो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, परसेंटेज दे दिया रहेगा, उससे अपन परसेंटेज से मोल रेशो निकाल लेंगे। एक बार मोल रेशो आ गया तो इसको अपन सिर्फ होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग द मोल रेशो विथ स्मॉलेस्ट नंबर। ओके स्मॉलेस्ट मोल रेशो, और ये हो जाने के बाद स्टेप फोर रहेगा, तो जो अपन फ्रैक्शंस अगर बचते हैं तो उसको मैं होल नंबर में फिर से कन्वर्ट कर दूंगा। अगर होल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ इस मोल रेशो को तो मेरे को क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। ओके सो ऑल आई हैड टू डू इज़ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू होल नंबर, तो मेरे को एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। तो ये जो फोर्थ स्टेप है इट मे और मे नॉट बी नेसेसरी, ओके क्योंकि हो सकता है कि स्टेप थ्री में ही अपने को होल नंबर में नंबर्स मिल जाए। ओके और अगर इसमें भी फ्रैक्शन मिलते हैं तो इसको फिर होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल कि इनका जो मोल रेशो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, कुछ मान लो 2, 0.5 एंड जस्ट गो विथ 2, ओके और 3, ओके तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट राइट। ओके दिस इज़ आफ्टर दिस, ओके आफ्टर थर्ड स्टेप मेरे को जो आ रहा है 3, 0.5 एंड 3, तो इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट, इजंट इट, कि 0.5 नाइट्रोजन का एटम नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके सो दिस इज़ गोइंग टू बी 6, दिस इज़ गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 6। ओके सो जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो रहेगा 6C6N H6, ठीक है। ऑब्वियसली इस तरह का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और करता है नहीं करता है वी डोंट नो, बट दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला, और इससे फिर मैं अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालूंगा। अंडरस्टूड है? तो इस स्टेप में अपना एम्पिरिकल फार्मूला अपने को मिल रहा है। ओके सो वी गॉट द एम्पिरिकल फार्मूला, अब आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूलर वेट दिया होता है। ओके तो मॉलिक्यूलर वेट दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट दिया रहेगा या फिर वेपर डेंसिटी के फॉर्म में दिया रहेगा। और अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो वेपर डेंसिटी टाइम्स टू बिकम्स मॉलिक्यूलर वेट। ओके सो मान लो ऐसा दिया है कि कोई कंपाउंड है जिसका वेपर डेंसिटी इज 30, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 60, इजंट इट। तो मेरे को मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला टाइम्स एन करूँगा। अब ये एन कहाँ से आता है वो बताता हूँ मैं तुमको। सो एन जो होता है दैट इज़ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ओके सो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट मेरे को मिल गया 60। अब मान लो कि एम्पिरिकल फार्मूला वेट जो आता है दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक 20। ओके ये एम्पिरिकल फार्मूला वेट हो गया, और ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। तो मैं क्या करूँगा, एन इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ओके ये 20 है, सो 60 डिवाइडेड बाय 20, एन इज इक्वल टू 3। ओके और जो भी मेरा एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा उसको मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं,
अब मान लो कि इम्पेरिकल फॉर्मूला जो आ रहा है, इम्पेरिकल फॉर्मूला जो आ रहा है किसी कंपाउंड का, वो आ रहा है सी एच, ओके, और मेरे को मॉलिक्यूलर वेट जो है वो दे दिया है लेट्स से 78, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट, ओके। अब ये दो इन्फॉर्मेशन से मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। देखो इम्पेरिकल फार्मूला मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, यहाँ से मेरा, और स्टेप फोर, यहाँ से मेरे को इम्पेरिकल फार्मूला मिल गया। अब मॉलिक्यूलर वेट जो है ये दिया रहेगा, ओके, सो दिस इज गिवन, सो आई नो दीज टू थिंग्स, इन्हीं दो चीज़ों से मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि देखो ये मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला दिया है, तो एम्पेरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू कार्बन के 12 प्लस एक हाइड्रोजन, सो दैट इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला वेट, ओके। सो मैं क्या करूँगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दैट इज 78 डिवाइडेड बाय 13, सो दिस बिकम्स 6, ओके। सो ये 6 आ गया, n की वैल्यू आ गई 6। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा C6H6, ठीक है ना, क्योंकि अपने को मालूम है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला वेट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इज n टाइम्स, तो ये n अपने को निकालना पड़ता है बाय डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला विथ एम्पेरिकल फार्मूला, ओके, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑलवेज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला वेट, ओके। सो इस तरह से मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया, अंडरस्टूड है। तो दिस इज बेसिकली एन ओल्ड टेक्निक, क्योंकि हमको इस तरह से करना पड़ता था, अलग अलग केमिकल मेथड से अपने को सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना पड़ता था, इनडायरेक्ट मेथड से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना पड़ता था, और उससे फिर अपन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करते थे। ऑलराइट, एक बार मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन हो गया करेक्टली, तो अब उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना पड़ता था, ओके। सो इट वॉज अ टीडियस जॉब, आजकल इंस्ट्रूमेंट्स के वजह से इट बिकेम वेरी ईजी, ओके, लिटरली एक दिन में ये काम हो जाता है, ओके। यू कैन रन अ मास मेक जिससे तुमको मास मिल जाएगा, यू कैन गो एंड रन NMR में रन कर सकते हो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे तुमको एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद तुम अलग अलग NMR में ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हो जिससे तुमको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और ये सब जो डेटा आता है उसको तुम वर्कआउट करते इन फ्यू आवर्स और सो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला विथ स्ट्रक्चर बता सकते हो, ओके। सो दिस हैज बिकेम नाउ अ वन डे जॉब इन सम केसेस, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होता है, उतना ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। प्रोटीन्स और DNAs फॉर एग्जाम्पल, इट विल टेक फ्यू डेज और सो और इवन मंथ्स टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, लेकिन आज ध्यान में रखो कि वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इट्सेल्फ, ओके, प्रोटीन्स और DNAs, इनके स्ट्रक्चर भी अपन बता सकते हैं विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके, इनके स्ट्रक्चर भी अपन इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं विच वॉज नियरली इम्पॉसिबल सम यू नो 50, 60 or 100 years back, लेकिन दे यूज टू डू दिस फॉर सिंपल कंपाउंड्स, जिससे ये जो टेक्निक्स है ये इवॉल्व हुई है, ओके। सो वॉट विल डू नाउ is see these things in action, इसको थोड़ा एक्शन में देखते हैं, we'll solve some problems based upon this, तो ये जो चीज मैंने तुमको बताई है ज्यादा अच्छे से तुमको पता चलेगा, okay? तो यहाँ पे देखो example वन देख रहे, compound has a following composition, इसमें magnesium दिया है 9.76%, सल्फर दिया है 13.01%, ऑक्सीजन 26.01% और वाटर दिया है 51.22%। सबसे पहले तो यू कैन राउंड अप द नंबर्स, ओके, सो इससे कैलकुलेशंस आसान होगा, अप्रॉक्सीमेशन इज अ की इन दिस पर्टिकुलर केस। इसके बाद पूछा है व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला और एटॉमिक वेट्स दिए हैं सबके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एटॉमिक वेट एज वेल, लेकिन ये मालूम होने चाहिए इन सबके एटॉमिक वेट्स। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस तरह का टेबल बना लो, सबसे पहले तो टेबल के एलिमेंट्स है, देखो एलिमेंट, उसके बाद परसेंटेज जो तुमको दिए हुए हैं, ओके, सो एलिमेंट दिया है, परसेंटेज दिए, इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स तुमको निकालना है, विच इज़ बेसिकली द सेकंड स्टेप, ओके। तो ये जो था सेकंड स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशियो, ये डिटरमाइन करना है विच इज़ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद इसको सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, राइट, और फिर अगर यहाँ पे सिंपल रेशो होल नंबर में नहीं आ रहा है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन ये हो सकता है कि इसकी ज़रूरत ना पड़े लास्ट कॉलम की।
बट एनी वे देर आर फाइव कॉलम्स. ओके, तो पहला कॉलम आता है एलिमेंट, सेकंड कॉलम परसेंटेज, उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे तुम सीधा सिर्फ मोल्स लिख सकते हो, कितने मोल्स है, उसके बाद सिंपल रेशियो ऑफ द मोल्स एंड सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द मोल्स. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने एलिमेंट्स लिख लूँगा, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन और यहाँ पे वाटर दिया हुआ है सीधा सीधा, नॉट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली नहीं दिया है, सीधा सीधा वाटर दिया है. इसका मतलब इस सॉल्ट के साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आ गया है. इसेंशियली अगर तुम थोड़ा सा सर्च हो तो तुमको इसका कंपाउंड का आंसर ही मिल जाता है, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन और वाटर. ओके, अगर थोड़ा मैं आंसर नहीं बताऊंगा बट यू कैन थिंक अबाउट इट, तो इसका सीधा सीधा आंसर मिल जाता है. बट एनी वे वी नीड टू लर्न हाउ टू डू दिस, क्योंकि ये हो सकता है एलिमेंट्स न देते हुए दे कैन जस्ट गिव यू ए बी सी, इस तरह से भी दे सकते, एक्स वाई जेड ऐसे भी दे सकते हैं, तो यू कैन नॉट गेस उस केस में. तो परसेंटेज लिख लो, तो यहाँ पे 9.76% है, सो आई विल जस्ट गो विथ 10. दिस इज 13, दिस इज 26 एंड दिस इज 51. ओके, आई लाइक अप्रॉक्सीमेशन और मैं अप्रॉक्सीमेशन से ही इसको सॉल्व करूँगा. उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, आई विल डू 24, 10 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक वेट विच इज 24. ओके, सल्फर है 13 डिवाइडेड बाय 32, ऑक्सीजन है 26 डिवाइडेड बाय 16 एंड वाटर 51 डिवाइडेड बाय 18. ओके, अब इसको सॉल्व कर लो. ओके, साइमल्टेनियसली तुम भी करो रादर देन जस्ट लिसनिंग टू व्हाट आई एम डूइंग. तो इसका आंसर आता है 0.416, इसका आंसर आता है 0.406, दिस इज 1.6 एंड दिस बिकम्स 2.8. ओके, 2.83. अब देखो ये आ गए रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल्स. तो ये जो दो नंबर है दिज आर बेसिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. देखो अप्रॉक्सीमेशन किया है इसलिए ये दो नंबर जो है वी कैन कंसिडर देम टू बी इक्वल. ओके, इट डजंट मैटर विच वन इज़ राइट विच वन इज़ रॉन्ग, दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर. तो इसको अपन इक्वल मान के चलेंगे और यू कैन जस्ट टेक एन एवरेज ऑफ दैट इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट. अब अपने को इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज़ बेसिकली इफ यू रिमेंबर स्टेप 3. ओके, और स्टेप 3 हम लोग करते हैं जो सबसे छोटा नंबर आता है इसमें उसको सबको डिवाइड करते हैं उसी नंबर से. ओके, सो सबसे छोटा नंबर आ रहा है 0.416. ऑलराइट, तो मैं इसको भी 0.416 मान लेता हूँ, इजंट इट. तो ये हो जाएगा 0.4406 या फिर यू कैन जस्ट डू दिस. ओके, और देखो आंसर 1 ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली, इजंट इट. इसके नीचे वाला दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 0.406 डिवाइडेड बाय 0.406 दैट इज़ इक्वल टू 1, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.406. सो ये देखते हैं अपन कितना आता है. तो ये आता है 3.94. ओके, सेकंड इज द लास्ट वन इज 2.83 डिवाइडेड बाय 0.406. ओके, तो ये आता है 6.97. देखो अप्रॉक्सीमेटली इफ यू डू दिस, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1147. ओके, और यही हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो है. ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा था इसीलिए अपन ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया. ऑलराइट, तो होल नंबर रेशियो क्या आ रहा है, 1, 1, 4 एंड 7. कभी कभी ये फ्रैक्शन में आता है, मतलब 0.5. तो अगर इस तरह से आ रहा है 0.25 या 0.5, तो मान लो कोई नंबर 0.5 है तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ओके, और अगर 0.25 है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई, गेट इट टू 1. ओके, तो इस तरह से अपन इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते. अपना काम हो चुका है, अपने को सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया है इन एलिमेंट्स का. ओके, तो देखो मैग्नीशियम कितने हैं, 1. ओके, सल्फर कितना है, 1. ऑक्सीजन कितने हैं, 4. और वाटर कितने हैं, 7. सो यहाँ पे देखो ये MgSO4 हो गया, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी 7H2O. तो ये हो गया इसका इम्पेरिकल फार्मूला. रिमेंबर इम्पेरिकल फार्मूला निकाला है अपन ने, नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला. ऑल्दो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपने को दिया होता तो मैं इसका n निकालता, तो इस केस में n की जो वैल्यू आती दैट वुड हैव बीन 1, इजंट इट. क्योंकि इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, तो n की वैल्यू 1 आएगी, सो दैट्स व्हाई. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक से करके देखो. ओके, इस तरह का टेबल बनाने की आदत होनी चाहिए तुमको, टेबल बनाओ और इसको सॉल्व करो.
अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल टू. अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स थ्री एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 9:1 and 3.5. तो सबसे पहले तो एलिमेंट्स लिख लो, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, और इनका रेशियो दिया है 9:1 and 3.5. ये वेट रेशियो ध्यान में रखना. कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दिया है 108. तो यहाँ से अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है. पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है जैसे बोला है, और उसके बाद बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है. तो यहाँ पे देखो रेशियो दिया है इसलिए मैंने रेशियो लिखा है, अदरवाइज परसेंटेज लिखता अगर परसेंटेज दिया हो तो. यहाँ पे वेट रेशियो दिया है, ओके, सो दैट इज़ फाइन. इट इज़ द सेम थिंग एज परसेंटेज रेशियो, ओके. वेट रेशियो और परसेंटेज रेशियो सेम ही, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, दैट्स ऑल. तो सबसे पहले तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. तो इसके लिए मैं जो वेट दिया है उसको डिवाइड करूँगा बाय एटॉमिक नंबर, ओके. सो 1 / 1 एंड 3.5 / 14. तो इसको निकाल लो. तो ये आता है 0.75, ये आता है 1, और ये आता है 0.25, ओके. अब मेरे को सिंपल मोल रेशो निकालना है, तो उसके लिए जो सबसे छोटा नंबर है उससे मैं सबको डिवाइड करूँगा. सो ये हो जाएगा 0.75 / 0.25. तो ये हो जाता है 3. 1 / 0.25 दैट इज़ इक्वल टू 4, एंड 0.25 / 0.25 इज इक्वल टू 1. सो ये मेरे को सिंपल मोल रेशियो, यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस नहीं आ रहे, एज यू कैन सी ये सीधा सीधा होल नंबर में आ रहा है. सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. 3, 4, 1 दैट इज़ द सिंपल होल नंबर रेशियो. और मेरे को बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया है. देखो कार्बन 3 है, ओके, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है और नाइट्रोजन 1 है. दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट मेरे को दिया है 108, तो मेरे को एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालना पड़ेगा. एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू, तो निकाल लो, 3 carbon, 4 hydrogen and 1 nitrogen, ओके. इन सब का एटॉमिक मासेस ऐड करोगे तो ये आता है 54, ओके. सो एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज़ 54, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इज़ 108. तो अब n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इज़ 108 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज़ 54. ये आंसर आता है 2. और तो n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इस फार्मूले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर हो जाएगा मेरा C6H8N2, एंड दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, फॉर दिस कंपाउंड. सो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये अपना फाइनल आंसर है फॉर मॉलिक्यूल. सो n निकालना है, n निकालने के लिए मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट लगेगा, और एम्पिरिकल फार्मूला मेरे को हमेशा निकालना ही पड़ता है टू गेट टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके. सो इस तरह से इस प्रॉब्लम को उसको अपन सॉल्व करते. एक और प्रॉब्लम देखते. तो अब अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल 3. मिथिल ऑरेंज विच इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर, दैट इज़ अ फैक्ट, ओके. मिथिल ऑरेंज ये एसिड बेस इंडिकेटर होता है. इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड दैट कंटेंस कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, ओके. और इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया अपन ने, एंड इट गेव मी 51.4% कार्बन, 4.3% हाइड्रोजन, 12.8% नाइट्रोजन, 9.8% सल्फर और 7.0% सोडियम. पूछा है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मिथिल ऑरेंज, ठीक है ना. एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा होता तो मॉलिक्यूलर मास दिया होता और उससे अपन फिर एन फैक्टर निकालते, नॉट एन फैक्टर सॉरी एन निकालते, और फिर वहाँ से अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिल जाता. बट एनीवे पूछा नहीं है तो कोई बात नहीं है. सो नाउ सबसे पहले तो एलिमेंट्स लिख लो. तो यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर सोडियम, और एक जो एलिमेंट जो छूटा है दैट इज़ ऑक्सीजन, ओके. ऑक्सीजन के देखो परसेंटेज दिए नहीं है, एंड दैट इज़ फाइन, ओके. सिर्फ अपने को सोचना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालना है. तो कार्बन के परसेंटेज निकाल लो, लिख लो 51.4, हाइड्रोजन इज 4.3, नाइट्रोजन 12.8, सल्फर इज 9.8, सोडियम इज 7.0. अब ऑक्सीजन दिया नहीं है तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि ये सब का एडिशन 100 होना चाहिए. तो 100 माइनस ये सम करता हूँ मैं तो मेरे को ऑक्सीजन का परसेंटेज मिलता है, ओके. सो अगर मैं करता हूँ तो इट बिकम्स 14.7,
ओके सो देखो 14.7 कैसे आया कि ये सब का सम किया है एंड माइनस 100, ओके 100 में से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो वी गेट 14.7, तो मेरे को परसेंटेज मिल गया है। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मेरे को, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ओके। नाउ रिमेंबर, परसेंटेज इसलिए ले सकता हूँ मैं, परसेंटेज को एटॉमिक मास से मेरे को मोल्स मिल रहा है, क्योंकि परसेंटेज को मैं ग्राम्स में भी ले सकता हूँ। सो अजम्पशन ये रहेगा अपना कि इफ़ आई टेक 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में 51.4 ग्राम्स ये रहेगा, 4.3 ग्राम ये रहेगा, तो ये सब ग्राम्स में ले सकता हूँ मैं, इजेंट इट। तो इसका मतलब मेरे पास जितने भी मासेस है सारे ग्राम्स में, और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, मोल्स, इजेंट इट। तो वही कर रहा हूँ मैं, 51.4 डिवाइडेड बाय 12, ओके 4.3 डिवाइडेड बाय 1, 12.8 डिवाइडेड बाय 14, 9.8 डिवाइडेड बाय 32, इसको मैं 10 लेके भी कर सकता हूँ, इसको 13 लेके भी कर सकता हूँ, एंड 7 डिवाइडेड बाय 23, एंड ऑक्सीजन 14.7 डिवाइडेड बाय 16। तो ये सबको सॉल्व कर लो, तो ये अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 4.28, ये आ रहा है 4.3, 0.91 या फिर 0.914, तो ये आता है 0.3, ये आता है 0.3, ये आता है 0.91। देखो कुछ नंबर्स जो है वो रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, दैट इज़ गुड, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दो नंबर सेम है, ये जो है ये दो नंबर सेम है और ये दो नंबर सेम है, इसलिए मैं कैलकुलेशन जब भी करूँगा अप्रॉक्सीमेट ही करूँगा, दैट इज़ फाइन, क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेटली ही, इट्स एक्चुअली वर्थ इट, ओके। अब सिंपल रेशो निकालना है, तो जो सबसे छोटा नंबर जो आएगा उससे मैं सबको डिवाइड करूँगा, तो सबसे छोटा नंबर आया 0.3, तो 4.28 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आता है 14.2, इसका मतलब ये भी 14.2 आएगा। 0.91 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आता है 3, और दिस इज़ गोइंग टू बी 1, दिस इज़ गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 3, ओके, क्योंकि इट्स ऑलरेडी डन इट। तो देखो यहाँ पे जो रेशो है दैट इज़ नॉट अ सिंपल रेशो, ये 14.2 आ रहा है, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 14 ले सकता हूँ, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3। तो देखो इन सारी चीज़ों से मेरे को अब मेरा एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। तो कार्बन कितने हैं, 14, हाइड्रोजन कितने हैं वो भी 14, नाइट्रोजन 3, सल्फर 1, सोडियम, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोडियम 1, ओके लिख लो फिलहाल, एंड ऑक्सीजन 3। तो देखो ये सोडियम सॉल्ट है, इजंट इट, तो मेरे को सोडियम बाहर लिखना पड़ेगा, सो मैं इसी को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, C14H14N3SO3Na, ओके। तो देखो SO3Na ये सल्फेट इसका सॉल्ट हो गया बेसिकली, ओके। तो दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मिथिल ऑरेंज। तो देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है बट सिंपल तरीके से निकाला है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलिमेंट्स का परसेंटेज लेंगे, ओके, तो जो अपने को दिए है, उसके बाद उसका रिलेटिव मोल रेशो निकाल लेंगे, उसी को रेशो को अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट सारे नंबर्स को बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो उसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इफ़ नेसेसरी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड दीज रेशो, जो भी एक अप्रोप्रिएट नंबर है उससे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जिससे तुमको सारे नंबर होल नंबर में मिल जाएंगे, ओके। सो जनरली अपन मल्टीप्लाई ही करते हैं सो दैट वी गेट अ होल नंबर। सो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में इफ़ यू सी दिस, यहाँ पे वी कुड हैव मल्टीप्लाइड इट, ओके वी टेक दिस एंड वी कुड सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय 4। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को ये आंसर्स मिलते हैं, इजंट इट। तो ये जो कर रहे हैं अपन, इसके जगह में आई कुड हैव सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अल्टीमेट गोल होता है अपना टू गेट द सिंपल होल नंबर रेशियो, ओके, बिकॉज उसी से अपना एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सो विल स्टॉप हियर, ओके। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बुक्स में काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व दैट, अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स है। इसमें एक ही दिक्कत होती है, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, अदर देन दैट द प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, ओके। मेक श्योर कि यू नो हाउ टू ड्रॉ दिस टेबल
और इस टेबल के भरोसे तुम इसी प्रॉब्लम्स इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ओके सो विल स्टॉप नाउ. इन द नेक्स्ट वन वी गोना टॉक अबाउट टाइट्रेशंस. ओके सो आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी अवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक. ओके उसके बाद वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. तो अभी तक जितने भी वीडियोज़ हुए हैं उनको बहुत अच्छे से देखो, अच्छे से समझ लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर एक चैप्टर टेस्ट रहने वाली. सो मेक श्योर यू डू दिस. ओके सो वी गोना स्टॉप हियर नाउ. हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसमें. अंटिल देन बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.